बिसमिल्ल रहीम अब ये हम क्वेश्चन नंबर सेवन करेंगे ग्रुप थ्योरी के जो एम सी क्यू सॉल्व करें उसके क्वेश्चन नंबर सेवन अब यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है कि लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस वो हैं कि जिनका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है वो वाले मैट्र ऑफ ऑर्डर टू ऑर्डर टू मीन्स के उसके रोज भी की तादाद भी दो है और कॉलम की तादाद भी टू है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अब इन स्टेटमेंट्स में से हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसके लिहाज से ट्रू है द फर्स्ट वन इज जी इज अ नॉन अबिलियन ग्रुप नॉन अबिलियन ग्रुप ये होता है कि वो ग्रुप्स जो कम्यूट ना करती हों यानी कि ए स्टार बी अबिलियन प्रॉपर्टी ये होती है कि ए स्टार बी इज़ इक्वल बी स्टार ए तो जी इज़ नॉन अबिलियन ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जी इज़ नॉन इज अबिलियन ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो हमारे मैट्रसिस हैं ऑफ़ ऑर्डर टू नॉन सिंगुलर मैट्रसिस ऑफ ऑर्डर टू वो ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन होती हैं और दूसरा वो अभी नॉन अबिलियन ग्रुप होती हैं मैट्रिस में ए ए और बी मैट्रिक्स जो है वो नॉट इक्वल टू बी इनटू ए मैट्रिक्स होता है इसलिए ये इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट ही ट्रू है बाकी को भी देख लेते हैं वो क्यों ट्रू नहीं है क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि जी इज़ अ नॉन इज़ एन अबिलियन ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन में जो जो सेट है वो अबिलियन नहीं होता क्योंकि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए ये ट्रू नहीं है नेक्स्ट दिया हुआ है जी इज़ अ नॉन अबिलियन ग्रुप अंडर मैट्रिक्स एडिशन अब यहाँ पर जो मैट्रसिस मैट्रसिस एडिशन के तहत जो सेट है वो ग्रुप तो होता है लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रसिस हुए हैं अब नॉन सिंगुलर मैट्रसिस मैट्रसिस वैसे देखा जाए तो uh, वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाते हैं और वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबिलियन भी होते हैं लेकिन उसमें ये नॉन सिंगुलर मैट्रसीस की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मैट्रिस के आइडेंटिटी एलिमेंट ही जीरो 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 है तो यहाँ पर फिर चूंकि चूंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिस हैं इस वजह से ये मैट्रिक्स जो हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो ग्रुप uh, नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें ये वाला मैट्रिक्स तो मौजूद ही नहीं है ऐसे केस में हमारे पास इसके लिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है आइडेंटिटी एलिमेंट ही होल्ड नहीं करता इसलिए यहाँ पर हमारे पास सिर्फ इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है कि जी जो है वो नॉन अबिलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन द नेक्स्ट इज द सेट ऑफ ऑल दोज कॉम्प्लेक्स नंबर्स हुज मॉड्यूल आर वन इज़ कॉल इज ग्रुप अंडर जो तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका जिनके मॉडल्स की वैल्यू इज इक्वल वन है वो होते हैं ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन इनमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी यहाँ पर वन ही आएगा और हर एलिमेंट का जो है वो इनवर्स एलिमेंट भी मौजूद होता है उसका भी मॉड जो है वो इक्ल वन होता है द नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू द सेट ऑफ इेशनल नंबर्स इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन नंबर इज़ अ नॉन अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन इनल नंबर इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन द एंड इेशनल नंबर्स इज नॉट अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन जब दो इेशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक रैशनल नंबर आ जाता है जिसकी वजह से जो इरेशनल नंबर्स हैं उसमें ग्रुप की सबसे सब पहला एग्जियम ही फेल हो जाता है कि इरेशनल जो सेट है वो क्लोज्ड होना चाहिए क्लोज मतलब कि जो भी रिज़ल्ट आए वो वापस उस सेट को बिलोंग करता हो अब यहाँ पर चूंकि ये इरेशनल नंबर्स हैं जब दो इरेशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक ए, एक रैशनल नंबर बन जाता है जिसकी वजह से वो इरेशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन ही क्लोज नहीं है तो वो तो ग्रुप ही नहीं बनाते ग्रुप अगर ग्रुप ही नहीं बनाते इस वजह से अब ये बाकी जो ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन और ये तमाम प्रॉपर जो हैं वो फेल हो जाती हैं, यानी ये सही ट्रू स्टेटमेंट क्या है कि सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर इज नॉट अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन वो ग्रुप ही नहीं है इसलिए हम बाकी तो देखेंगे ही नहीं कि वो अबिलियन है या नॉन अबिलियन ग्रुप है अब यहाँ पर पा टू पावर के इज अ ग्रुप अंडर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन या सब्ट्रैक्शन टू पावर के हमें दिया हुआ है टू पावर के यानी ये इसमें वो एलिमेंट्स मौजूद हैं जो टू पावर के की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं यानी कि हमारे पास इस सेट के एलिमेंट्स कुछ इस तरह के होंगे जैसे टू पावर जीरो टू पावर वन टू पावर टू टू पावर थ्री एंड सो ऑन ऐसे केस में ये टू पावर ज़ीरो जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है और चूंकि ये k बिलोंग्स टू z यानी कि सेट ऑफ़ इंटीजर्स हैं और इंटीजर्स चूंकि नेगेटिव भी होते हैं तो इनका इनवर्स भी मौजूद है यानी कि टू की पावर माइनस वन टू पावर माइनस टू एंड टू पावर माइनस थ्री तो ये जो है हमारे पास यानी इनके ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं क्योंकि इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से टू पावर ज़ीरो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है तो ये हमारे पास जो है वो ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन है नेक्स्ट है लेट जीरो आई प्लस वाई जे एंड वाई बिलोंग्स टू आर विद सेट ऑफ वैक्टर्स इन अ प्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अब यह हमारे पास सेट ऑफ वैक्टर्स हैं तो सेट ऑफ वैक्टर्स जो हैं ये हमारे पास जो है वो ग्रुप अंडर अडिशन होता है बल्कि ये ग्रुप जो है वो कम्यूट भी करता है सो इट इज़ एन अबिलियन ग्रुप द नेक्स्ट इज okay. Let जी बी a set ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर लोअर triangular matrices ऑफ ऑर्डर two. Which ऑफ़ द स्टेटमेंट इज ट्रू नॉन सिंगुलर लोअर triangular matrices. यानी ये इस टाइप के होते हैं ऑफ ऑर्डर टू है तो यहाँ पर इनके डायगनल में ए बी एंड सी तो यहाँ लोअर ट्रायंगुलर यानी अपर केस में हमारे पास यहाँ पर डाइगनल से ऊपर जो है तमाम वैल्यू ज़ीरो होंगी और डायगनल के लोअर में तमाम नॉन सी ये नॉन ज़ीरो वैल्यूज होंगी ऐसे को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कहते हैं और ये चूंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं तो ये ज़ेहन में रखें कि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस जो हैं ऑफ स्केयर ऑर्डर यानी ऑफ ऑर्डर टू वो मैट मल्टीप्लीकेशन uh, वो ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन होती हैं चाहे वो लोअर ट्राइंगर मैट्रिसेस की बात कर लें या अपर ट्राइंगर मैट्रिसेस की या जस्ट मैट्रिसेस की बात कर लें तो वो ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन होती हैं और वो हमारे पास जो मैट्रिसेस है अगेन सेम केस के वो नॉन अबिलियन ग्रुप होता है मैट्रिसेस का इसलिए यहाँ पर इसकी ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही ट्रू होती है क्योंकि यहाँ नॉन सिंगुलर है इसलिए हम इसकी एडिशन को तो चेक ही नहीं कर सकते अब यहाँ पर और यही क्वेश्चन अगर यहाँ पर तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रसीस के हिसाब से दिया हुआ है अगर अपर ट्राइंगर मैट्रसीज अपर ट्राइंगर मैट्रिक्स का मतलब यही है कि इसके डायगनल से नीचे जो है वो जीरो एलिमेंट हो उसकी इस तरह की फॉर्म होगी तो ऐसे केस में भी ये हमारे पास जो है वो नॉन अबिलियन ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ही आता है द नेक्स्ट इज द सेट ऑफ ऑल एन एन ए थ्रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म अ ग्रुप अंडर द अंडर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जितने भी हमने पीछे एग्जाम्पल्स की हैं वो uh, ये रूट्स ऑफ एनथ रूट ऑफ यूनिटी की हैं और वो हमारे हमेशा हमने प्रूव किया है कि वो अंडर मल्टीप्लीकेशन ही होती हैं यानी यहाँ पर जिस तरह ये हमारे पास है वन ओमेगा एंड ओमेगा स्केर ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसका uh, उसके सेट का उसका सेट है इसी तरह प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस आयोटा ये फोर्थ रूट यूनिटी यूनिटी है तो ये जितने भी हमारे पास ये सेट्स हैं ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन है क्योंकि ये अंडर एडिशन ये क्लोज्ड ही नहीं होंगी यानी अगर आप मेगा प्लस ओमेगा मेगा ही करते हैं तो मेगा प्लस ओमेगा मेगा स्केयर इसमें मौजूद ही नहीं है तो ये अंडर एडिशन जो है वो क्लोज नहीं है ये सिर्फ अंडर मल्टीप्लीकेशन ही पूरा ये ग्रुप बनाती हैं जितने भी एनथ रूट ऑफ यूनिटी हैं वो बनाते हैं नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज़ आईडम्पोटेंट एलिमेंट ये गलत है द ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की डेफिनेशन ये है कि हमारे पास एक एलिमेंट एक्स केयर इज़ इक्ल एक्स की होता है तो ये हमारे पास जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो आइडम्पोटेंट एलिमेंट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो उसका स्केयर जो है वो उसी के इक्वल हो तो यहां पर द ऑनली आईडम्पोर्टेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ये स्टेटमेंट भी गलत है द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज द आईड एम्पोर्टेंट एलिमेंट या स्केयर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज ए आईड एलिमेंट तो डेफिनेशन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की यही होती है कि एक एलिमेंट उसका स्क्वायर इज इक्वल उसी एलिमेंट के इक्वल हो उसको हम आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कहते हैं और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जिसकी ये में ये प्रॉपर्टी मौजूद होती है यानी एक्स स्केयर इज इक्वल एक्स द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू के ग्रुप जी इज अ इफ एंड ऑल इफ ए बी स्क्र इज इक्वल ए बी एंड सेकेंड इज़ इफ़ जी इज़ अ ग्रुप देन ए इनवर्स और उसका अगेन इनवर्स इज़ इक्वल ए इनवर्स तो ये इनवर्स इनवर्स तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं दैट इज इक्वल ए होता है ना कि ए इनवर्स यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है सी में दिया हुआ है ए बी इनवर्स इज इक्वल ए इनवर्स बी इनवर्स जब हम इनवर्सिस लेते हैं जब इन्वर्स लिया जाता है तो जो बाद का एलिमेंट है वो पहले आ जाता है और जो पहले का एलिमेंट है वो सेकंड नंबर पर बन जाता है इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है द नेक्स्ट इज़ फॉर एनी एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप जी ए इन्वर्स पावर एन इज़ इक्वल ए पावर एन अब a की पावर n कह रहे हैं जबकि a इनवर्स की पावर n लिया था तो दैट शुड बी इक्वल a पावर माइनस एन होना था तो यहाँ पर सिर्फ जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि ग्रुप g इज एन अबिलियन इफ एंड ऑनलीफ ए बी स्केयर इज इक्वल ए स्केयर एंड बी स्केयर तो ये इसकी सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है द नेक्स्ट इज के इफ जी इज एन अबिलियन ग्रुप देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी अब हमारे पास जो है अगर जी अबिलियन है तो यही इसकी यानी ये स्क्वेयर के फॉर्म में दिया हुआ है इसी को अगर हम जनरलाइज करते हैं तो यहाँ पर ए बी पावर एन इज इक्वल ए एन बी एन यानी ये इसकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है तो यहाँ पर जो है यहाँ हमारे पास इफ जी इज एन अबिलियन ग्रुप तो यहां पर इसको जर्नलाइज में सिर्फ ये ट्रू है यहां पर ए बी पावर एन इज इक्वल बी एन ए एन लिखा हुआ है जबकि यहां पर कोई इन्वर्स भी नहीं है जिसकी वजह से हम कह सकें कि बी पहली है इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है और यहाँ ए बी पावर एन इज इक्वल ए बी ये कोई सेंस नहीं बनती इसी तरह ए बी पावर एन इज इक्वल बी ए यानी फर्स्ट स्टेटमेंट ही इसकी सिर्फ ट्रू है यहां पर है कि इफ अ ग्रुप जी इस डेट ए डॉट ए इज इक्वल e for all a belongs to G यानी कि ग्रुप G में हमारे पास तमाम एलिमेंट ऐसे हैं कि उस एलिमेंट को उसी के साथ अगर ऑपरेशन लगाया जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो हमारे अवेयर e is an identity element of G then G is तो ये हमारे पास यानी रिजल्ट मौजूद हैं ग्रुप के कि अगर हर एलिमेंट अपना ही इनवर्स एलिमेंट हो या उस हर एलिमेंट उसका ऑर्डर भी जो है वो टू हो और अगर उसी को उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो और आइडेंटिटी आ जाए तो ऐसे में ये हमारा जो पूरा ग्रुप है जो ग्रुप जी है वो एक अबिलियन ग्रुप होगा तो यहाँ पर यानी ए ऑप्शन इसकी करेक्ट है नॉन अबिलियन वाली बात नहीं एंटी कम्यूटेटिव ग्रुप का मतलब वही नॉन अबिलियन है तो यहाँ पर सिर्फ यानी और जो करेक्ट ऑप्शन है वो एन अबिलियन ग्रुप आ जाती है द नेक्स्ट इज़ इफ़ अ ग्रुप जी सर दैट ए बी पावर एन इज़ इक्वल ए एन बी एन फॉर थ्री कंजेक्टिव नेचुरल नंबर्स दैन जी इज़ यहाँ पर भी अगेन जब हमारे पास ये ही फॉर्म होगी कि ए बी पावर एन इज़ इक्वल ए एन बी एन तो हमारे पास रिजल्ट मौजूद है कि जी इज एन अबिलियन ग्रुप होता है नेक्स्ट है कि इन अ ग्रुप जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्ल चूँकि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ बी एनि ये दोनों सेम बी भी हैं इसलिए इसकी इक्वल नहीं बी एहरा बी एक ऑलरेडी जो है डिफरेंट एलिमेंट है तो ए और बी ए जो है वो डिफरेंट एलिमेंट बन जाती हैं इसी तरह यहाँ पर ऑर्डर ऑफ़ ए बी इनवर्स ये बी एक बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट है तो यहाँ पर जब जो ए का ऑर्डर होगा वही इसके यहाँ पर ये यह जो एलिमेंट दिया हुआ है बी ए बी इनवर्स ऑर्डर ऑफ ए इसी एलिमेंट के इक्वल आ जाता है द नेक्स्ट इज़ ये चाहे पहले आ, यानी इनवर्स एलिमेंट हो या सिंपल एलिमेंट और बाद में उसका हमने इन्वर्स uh, एलिमेंट लिया हो तो ए का ऑर्डर उसके ही इक्वल आएगा अब जिससे यहाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि यही स्टेटमेंट है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल अब ये ऑर्डर ऑफ ए इस सी के सी ऑप्शन करेक्ट आएगी यानी ये किसके इक्वल आएगा बी इनवर्स ए इंटू बी द नेक्स्ट इज इफ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज ऑफ ऑर्डर डैश देन जी इज एन अबिलियन ग्रुप अब अगर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज ऑफ ऑर्डर टू जिस यहाँ पर ये हमने स्टेटमेंट पढ़ी है कि अगर तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इस टाइप के हैं कि ए डॉट ए इज इक्वल ई मतलब कि तमाम उसके एलिमेंट्स जो हैं वो उनका ऑर्डर जो है वो टू है या उन्हीं को उनके साथ ही मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है ऐसे में जो जी है वो एक अबिलियन ग्रुप है तो ये वही स्टेटमेंट है उसको इस फॉर्म में लिखा है कि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जिन तमाम जी के नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट उनका ऑर्डर टू हो तो वही जो हैं वो जो ग्रुप जी है वो अबिलियन ग्रुप होगा अब नेक्स्ट है कि इफ इन अ ग्रुप जी बी इज इक्वल एक्स ए एक्स इनवर्स देन बी स्क्र अब इसको हम कैलकुलेट कर लें कि बी स्क्र किसके इक्वल है तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो गिवन है बी दिया हुआ है बी इज़ इक्ल एक्स ए एक्स इनवर्स हमने बी स्क्वेयर फाइंड करना है यानी इसी टर्म को अगर हम एक दफ़ा फिर इससे इनवर्स मल्टीप्लाई कर लें तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है इस वजह से हम ब्रैकेट से इनकी चेंज कर सकते हैं ये x a x इनवर्स आ जाएगा ये आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है x a e ई x इनवर्स और आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है कि वापस वही एलिमेंट आ जाता है यानी कि ये x ए स्केयर एक्स इनवर्स आ जाएगा तो ये हमारे पास इसकी करेक्ट ऑप्शन सी बन जाती है अब यह दिया हुआ है कि इफ़ इन अ ग्रुप जी एक्स ए इज इक्वल ए एक्स दैन शो दैट एक्स ए स्कीयर इज इक्वल अब यानी एक्स ए स्कीयर की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है एक्स ए इज इक्वल ए एक्स दिया हुआ है यानी हम अगर राइट right साइड पर राइट right मल्टीप्लीकेशन करें विद ए तो ये तो हमारे पास एक्स ए स्कीयर आ जाता है इक्वल ये एक्स ए आ गया और एक्स ए की जगह हम एक्स सब्सिट्यूट कर सकते हैं एक्स इज़ इक्वल ए स्केयर एक्स तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसकी जो है वो ए स्केयर एक्स आ जाएगी नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है अब यहाँ पर इसके ऑर्डर का ऑर्डर ऑफ़ एन एलिमेंट का मतलब यानी इस एलिमेंट का हमने ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का मतलब ये है कि हमने इस एलिमेंट को इसी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाना है और तब तक वो लीस्ट पावर तक लगाना है जब तक हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आ जाता तो चूँकि ये टू बाई टू मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एलिमेंट है और इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है तो अब इस एलिमेंट को हमने ऑर्डर इसका फाइंड करने के लिए इस एलिमेंट को इसके साथ ही हमने तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स नहीं आ जाता तो लेट्स स्टार्ट अब हम इसको फाइंड करें इसका ऑर्डर तो ज़ीरो माइनस वन वन एंड ज़ीरो है अगर हम इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं यानी इसकी पावर टू ले रहे हैं ठीक है इसको हम पहले लेट आई कर लें आई इज इक्वल ज़ीरो माइनस वन वन एंड ज़ीरो है तो यहाँ हम आई स्केयर ले रहे हैं आई रहने दें ए नाम रख लें क्योंकि आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स तो इस मैट्रिक्स को हम ए स्केयर से नाम दे ले तो अब इसकी मल्टीप्लीकेशन जो है वो फर्स्ट रो को पहले फ़र्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन वी हैव ज़ीरो इन ये माइनस वन आ जाता है इसी तरह इसको मल्टीप्लाई किया तो ये भी ज़ीरो आ जाता है अब फर्स्ट रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ तमाम रोज़ को मल्टीप्लाई करना है सो वी हैव यानी जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो अगेन वी हैव जीरो अब सेकेंड रो को फर्स्ट सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू माइनस वन आ रही है यानी ये आ रहा है माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो एंड माइनस वन अब ए स्केयर लिया है अब ए क्यूब लेना है ए क्यूब का मतलब है ए स्कीयर टर्म को हमने ए से ही दोबारा मल्टीप्लाई करना है तो अगेन इसकी हमने फर्स्ट कॉलम के साथ दोनों रोज़ को जब मल्टीप्लाई किया देन वी हैव माइनस वन इंटू ज़ीरो जीरो आ गया ज़ीरो इंटू वन ये ज़ीरो आ गया जब सेकेंड रो के साथ किया ज़ीरो इंटू जीरो माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस वन आ जाता है इसी तरह ये माइनस वन माइनस सेकेंड अब हमने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है सो माइनस वन इंटू माइनस वन वन एंड यहाँ पर जब इसके साथ किया तो वी हैव ज़ीरो अब ए पावर फोर का मतलब है इसको इसी के ये एक दफा फिर हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो माइनस वन वन एंड ज़ीरो तो ऐसे में हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेशन ये वन जब सेकेंड रो के साथ करते हैं सो वी हैव सीरो जीरो एंड माइनस माइनस वन ये आ गया हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो फोर है कि इसकी वैल्यू जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ गई है द नेक्स्ट इज लेट जी स्टार बी अ ग्रुप ए नॉन एम टी सबसेटेज

यानी अब इसी ऑपरेशन के तहत हमारे पास जो एच है वो सब ग्रुप होगा जी का यानी तो चूंकि इसमें ए स्टार बी डैश बिलोंग्स टू एच होगा तो एच जो है वो इसका सब ग्रुप होगा क्योंकि एच हमारे पास जो सब ग्रुप क्राइटेरिया है उसके मुताबिक के दो जो सबसेट होता है उसको हम सब ग्रुप तब कह सकती हैं जब दो एलिमेंट एक एलिमेंट और उस दूसरे का इनवर्स अंडर द सेम ऑपरेशन हमारे पास जो है वो वापस उसको सबसेट को ही बिलोंग करता हो ऐसे में जो सबसेट है उसको हम सब ग्रुप कहती हैं यहां पर चूंकि ऑपरेशन इन्होंने स्टार दे दिया हुआ है इसलिए हमारे पास स्टैरिक वाला ही रिजल्ट जो है वो ट्रू होगा ये अगर हमें अंडर मल्टीप्लीकेशन कहा जाता तो ये सेम ट्रू था ये वाला अंडर एडिशन अगर कहा जाता तो ये भी ट्रू था लेकिन चूंकि यहाँ स्टैरिक के साथ ऑपरेशन को रिडिफाइन किया हुआ है इसलिए हम ये स्टैरिक वाला ही ऑपरेशन ये स्टेटमेंट को ट्रू कर सकते हैं अब सेम केस जैसे यहाँ पर यही स्टेटमेंट लिखी हुई है कि जी नॉट जी डॉट बी अ ग्रुप यानी ग्रुप जी जो है वो अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप है तो सबसेट एच जो है ऑफ़ जी इज अ सब ग्रुप ऑफ़ जी इफ एंड ऑल इफ ए बी बिलोंग्स टू एच अब यहाँ पर यानी मल्टीप्लीकेशन तो चूंकि ऑपरेशन हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है तो हमारे पास जो सब ग्रुप क्राइटेरिया है वो यही है कि एक जो है वो सब ग्रुप होगा अगर इसका एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स अंडर द सेम ऑपरेशन वापस उस सेट को ही सब सेट को ही बिलोंग करें यानी यहाँ पर अब चूंकि मल्टीप्लीकेशन है तो ए बी इनवर्स वाली ही करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी